जादुई तालाब। एक जमाने में एक बड़े देश के राजा को एक बेटा था जिसने उसे बहुत खुशी दी, लेकिन साथ ही साथ परेशान भी किया, क्योंकि राजकुमार जन्म से ही बीमार था और इतने साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात राजा ने प्रार्थना की, हे कर्ता धर्ता परमेश्वर, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जल्द ही मैं मेरे तमाम प्रजाजनों को छोड़कर आपके पास स्वर्ग में रहने लगूंगा। उनकी देखभाल करने वाला मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं। कृपया आप मुझे बताएं वो ठीक कैसे होगा। राजा ने जवाब का इंतजार किया और वही करीब लगातार जलने वाली मशाल से एक जवाब आया, जब दुनिया के आखिरी छोर के जादुई तालाब से राजकुमार पानी पिएगा उसी समय वो ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा बहुत बूढ़ा था और खुद से सफर नहीं कर सकता था और राजकुमार भी बीमार रहता था, इसलिए उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई दुनिया के आखिरी छोर के जादुई तालाब से पानी लाकर आएगा उसे राजा बहुत सारे इनाम देगा। उसके बाद बहुत से दिलेर लोगों ने कोशिश करके देख लिया, लेकिन वो तालाब किसी को नहीं मिला। राजा के राज्य में दूर पहाड़ों में एक गरीब किसान उसकी बीवी, दो लड़के और एक छोटी बेटी के साथ रहता था। एक दिन उसके बड़े बेटे ने कहा, ओ, मैं और मेरा भाई दोनों भी उस इलाज वाले पानी की खोज करते हैं। हम पूनम से पहले वापस आ जाएंगे और हाँ, फसल काटने में भी मदद करेंगे। दूसरे बेटे को भी उसके साथ जाना था, लेकिन किसान को फिक्र हो रही थी। फिर उसकी बीवी ने कहा, हमें हमारे राजा और राजकुमार की मदद करनी चाहिए। फिर किसान ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और दोनों बेटे अपने सफर पर निकल पड़े। उन्होंने बहुत सफर किया और उन्हें बहुत से तालाब भी मिले, लेकिन जहाँ आसमान पानी से जुड़ जाता हो ऐसा तालाब उन्हें नहीं मिला। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पिता की मदद करने उन्हें वापस जाना चाहिए। हम हर तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी जमा करते हैं, इस तरह से वो इनाम भी हमें ही मिल जाएगा, क्यों? जब वो महल में वापस आए तब उन्होंने राजा को बताया कि ये पानी जादुई तालाब का है। जब पानी राजकुमार को दिया गया तब कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बीमार का बीमार ही रहा। दोनों भाई थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ सबके सामने आ चुका था। राजा ने दोनों को कारागृह में डाल दिया। फिर एक बार राजा ने अपनी प्रजा से विनती की। सुमा उन भाइयों की छोटी बहन थी, वो अपने लामाओं के झुंड को चरा रही थी जब उसने ढिंढोरा सुना। उसने तभी लामाओं के झुंड को घर की ओर भेज दिया और अपने माँ बाप से विनती की कि अब उसे जाने दिया जाए। तुम अभी बहुत छोटी हो मेरी बच्ची, और देखो तो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ है। हम हमारी लाडली सुमा के बगैर नहीं रह सकते। सोचिए अगर राजकुमार गुजर गए तो राजा को कैसा महसूस होगा, और अगर मुझे वो तालाब मिला तो शायद राजा मेरे भाइयों को माफ भी कर देंगे। अजी, मुझे लगता है शायद भगवान की यही इच्छा है। और फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर वो दिलेर सुमा अपने पसंदीदा पालतू लामा के साथ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। साथ में उसने कुछ मकई के दाने और पानी लिया। रात को वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर सो गई। सुबह पास की टहनी पर आराम कर रहे चहचहाने वाले पंछियों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कल कैसे उसने उसके पास के मकई के दाने दिए और कैसे उसे कभी भी वो जादुई तालाब नहीं मिलने वाला है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम एक अच्छी लड़की हो इसलिए हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम में से हर एक तुम्हें हमारा एक खास पर देगा, उसे तुम एक पंखे की तरह एक साथ में पकड़ो। वो पंखा तुम्हें जादुई शक्ति प्रदान करेगा और तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ पल भर में पहुँचा देगा और तुम्हें हर एक मुसीबत से भी बचाएगा। हर एक पंछी ने बड़े ध्यान से उसे एक खास पर दिया। सुमा ने उनसे एक पंखा बनाया और उन्हें लामा के ऊन से बनाए धागे से बांध दिया। तीन भयानक जानवर उस जादुई तालाब की रक्षा करते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बस पंखा उठाकर एक गाना गाना है। डरना नहीं है वहां, देवदूत है जहां।
सुमा ने बड़े प्यार से पंछियों का शुक्रिया अदा किया और उसने पंख को हाथ में लेकर कहा, कृपया हमें इस दुनिया की आखिरी छोर वाली जादुई तालाब के पास ले चलो। तुरंत एक हवा का झोंका आया और उन्हें उठाकर पर्वत के पार ले जाने लगा। वो बर्फ से ढका शिखर पार करके जाने लगे। आखिर में हवा ने उन्हें आसमान से जुड़े तालाब के पास लाकर छोड़ दिया। वो दौड़कर तालाब के पास पहुंची और अपने बर्तन में पानी भरने ही वाली थी, इतने में एक बड़ा केकड़ा वहां आया और उसने कहा, जानी तालाब से दूर रहो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही केकड़े ने अपने पंजे सुमा की ओर बढ़ाए, तभी लामा ने केकड़े की आंखों में थूक दिया। तौबा तौबा छी, तुम कितने गंदे हो। उतने समय में जादुई पंखा बाहर निकालकर गाना गाने का समय सुमा को मिल गया। डरना नहीं है वहाँ, देवदूत है जहाँ। केकड़े ने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। उसने फिर से अपना बर्तन भरना शुरू किया, तभी पानी से एक आवाज आई, दूर हो जाओ मेरे तालाब से वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लामा ने मगरमच्छ को देखते ही उसके आंखों में थूक दिया। हे भगवान, कितना गंदा है। सुमा ने झट से पंखा उठाया और गाना गाया, तभी वो मगरमच्छ सोकर गहरे पानी में चली गई। सुमा डर से बाहर निकलने वाली थी, इतने में उसने कहीं से सीटी की तरह फुसफुसाने वाली आवाज सुनी, दूर हो जाओ तुम्हारे लामा को लेकर इस तालाब से वरना मेरा जहर तुम दोनों की जान ले लेगा। सुमा ने ऊपर देखा तो उसे उड़ने वाला सांप दिखा। उसके बाद सांप ने अपना जहर सुमा की ओर फेंका, लेकिन तभी लामा ने भी हवा में थूक दिया। दोनों थूक के गोले हवा में एक दूसरे से टकरा गए और जमीन पर आकर गिर गए। फिर एक बार सुमा के पंखे ने और गाने ने उसे मुसीबत से बचाया था। सांप जमीन पर आकर गिर गया, उसके पंख बंद हो गए और वो खर्राटे लेने लगा। सुमा ने अपने लाडले लामा को थोड़ी देर के लिए गोद में लिया और शांत किया। उसने लामा को चूमा और फिर उसे एहसास हुआ कि अब मुसीबत पूरी तरह टल चुकी है और उसने बर्तन भरना शुरू किया। उसके बाद उसने पंखा हाथ में लिया और कहा, कृपया हमें महल में ले चलो। धीमे से वो उड़ने लगी और उसने खुद को महल के दरवाजे पर देखा। रक्षक उसे बीमार और परेशान राजकुमार तक ले गया। उसके बाद सुमा ने उसे पानी के कुछ घूंट पिलाए और अचानक राजकुमार खुशी से उठकर बैठ गया और उसने कहा, मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी दिलेरी को सराहा और उसे राज्य की पूरी दौलत देने का फैसला किया। लेकिन सुमा ने कहा कि उसकी सिर्फ तीन शर्तें हैं। पहली इच्छा ये कि जादुई पंखा वापस अपनी जगह चला जाए और तुरंत वो पंखा खिड़की से बाहर उड़कर चला गया। दूसरी इच्छा ये कि उसके भाइयों को छोड़ दिया जाए। राजा ने तुरंत उन्हें छोड़ दिया। और आखिरी इच्छा ये कि एक बहुत बड़ा खेत जिसमें बहुत से लामा के झुंड हो उसके माता पिता के लिए। ऐसा ही होगा, तुम हमारे साथ राजमहल में नहीं रहोगे क्या? हम तुम लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। शुक्रिया महाराज, मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है, इसलिए मैं उन्हीं के पास जाना चाहती हूँ। और इस तरह वो घर वापस लौटी और जिंदगी भर अपने माता पिता भाई और लाडले लामाओं के साथ रहने लगी। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!